हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 जून 2024 और 13 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में विश्व प्रत्यानंद दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व प्रत्यानंद दिवस ऑप्शन बी राइट होगा, 9 जून को विश्व प्रत्यानंद दिवस मनाया गया है। ठीक है ना, जो मान्यता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ILAC और IAF द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है जो कि 9 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, उपर्युक्त दोनों यानी नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने जो कि है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। पहला पुरस्कार 69 वर्षीय रोहिणी लोखंडे को दिया जाएगा जो कि युवावस्था में कोचिंग में आने से पहले किरण बेदी, निरुपमा मांकड़, सुशान दास और उदय कुमार के साथ राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। ठीक है ना, तो ये हैं नरसिंह और रोहिणी लोखंडे जिन्हें दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, 1,16,000 किसान ने सम्मान निधि को छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, अमेरिका देश यानी USA। ये है मैप में USA। USA की कैपिटल क्या होती है? वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। करेंसी क्या है? US डॉलर इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी में बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 का कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, रजत पदक जीता है। ये है कौन है? ये है अमन सहरावत जो कि भारत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में अब तक 3 रजत पदक हासिल किए हैं जिसमें गुरुवार को पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमन सहरावत का एक रजत पदक भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, जो कि दिल्ली में प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, देहरादून में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण में 3 में से कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, स्वर्ण पदक जीता है कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 में। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच 6ठी स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, ओमान देश। ठीक है ना, अब बात है ओमान की, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या होगी? मस्कट होगी ओमान की कैपिटल। सुल्तान कौन है? हैयत बिन तारिक अल सईद यहाँ के सुल्तान हैं। और करेंसी की बात करेंगे तो ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट
पेश किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट होगा वोल्वो, ठीक है ना। वोल्वो के द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा, ठीक है ना। ई एक्स नाइन्टी एस यू वी के लिए दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट वोल्वो कार्स ने दुनिया का पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की है, जो कि यूरोपीय संघ के नियमों से पहले अपने आगामी फ्लैगशिप EX90 SUV के लिए कच्चे माल घटकों, पुनर्नवीकरण सामग्री और कार्बन फुटप्रिंट का विस्तार से दस्तावेज तैयार करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, RBI के अनुसार, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, घरेलू भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए जो मार्च 2024 को समाप्त 6 महीने की अवधि में 70.64% बढ़कर 2604 करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो रामोजी राव का निधन हुआ है, वह एक मीडिया दिग्गज थे, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। ये है रामोजी राव जी, जो कि मीडिया दिग्गज थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा UAE यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, सी ऑप्शन राइट होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय प्रवासी कलाकारों के एक समूह पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी ने रेट्रो रिवाइल नामक एक अनूठी प्रदर्शनी की मेजबानी की है। यह अंतर सांस्कृतिक कलात्मक प्रयास हॉलीवुड के स्वर्ण युग की प्रतिष्ठित पैरामाउंट फिल्मों को श्रद्धांजलि देने के लिए 8 देशों के 22 कलाकारों को एक साथ लाता है। अब बात है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स, तो इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी है इसकी कैपिटल। इसकी करेंसी क्या है, UAE दिरहम इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तोम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, उत्तराखंड में, ऑप्शन सी राइट होगा। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह जी यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बॉस्केट लॉन्च भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों ने के लिए 4th मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए होगा लखनऊ, ऑप्शन बी होगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी होगा सूरत या ऑप्शन डी होगा कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल स्टडी व Instagram ID क्रिटिकल स्टडी 3 को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।